हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स अ किचन। तो आज हम बनाएंगे कबाब। उसके लिए हमने 300 ग्राम कीमा लिया है, उसको हमने अच्छे से धोकर उसको ड्राई कर लिया है। उसको हम एक बर्तन में डाल देंगे। ध्यान रखना कि उसमें पानी ना रहे, वरना आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। और फिर हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद हम 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च नाखेंगे, और फिर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब हमने कुटा हुआ धनिया डाला है, और 3 बड़ी प्याज को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। उसको अच्छे से ड्राई करके हमने उसे इसके अंदर डाल दिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। ये दोनों डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसमें नाख देंगे 1 चम्मच बाजरे का आटा। इससे आपका जो खीमा है वो थोड़ा कंबाइन हो जाएगा और आपके कबाब छूटेंगे नहीं। मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर रख देंगे, वहाँ तक हम अपना तेल जो है वो गरम कर ले। हमारा तेल गरम हो रहा है, वहाँ तक हम कबाब बना लेंगे अच्छे से राउंड शेप में। इस तरह से हम हमारे कबाब बनाते जाएंगे। प्लीज़ इग्नोर करना पीछे के जो व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है आपको। अब इसे हम तलने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से हम हमारे सारे कबाब तल लेंगे, और देखिए कितने मज़े के बने हैं। इसे हम सर्व कर लेंगे प्याज और पुदीने के साथ। ये बहुत क्रिस्पी बने, आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी। और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। तो बनकर तैयार है हमारे यमी यमी से कबाब। तब हम दिखाएंगे आपको अंदर से। ये बहुत ही मस्त बने हैं, आप ट्राई कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।